हाय गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहती हूं इस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के। जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन और लेबर वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे इस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो थैंक यू सो मच। तो गाइज, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कि अगर कोई इंडिया से अमेरिका आना चाहता है तो कितना खर्चा होता है या आपको बैंक में कितने पैसे दिखाने होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप और सारी डिटेल्स कवर करूंगी कि आपको कितने पैसे लगेंगे और बैंक में कितना पैसा दिखाना पड़ेगा। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज, आज की ये वीडियो को मैं दो कैटेगरी के खर्चे में डिवाइड करना चाहती हूँ। पहला, जो बहुत ही बेसिक नीड है आप लोगों को अमेरिका आने का, तो पहले वो खर्चे की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए होता है और वीज़ा का फ़ी होता है। तो अमेरिका आने के लिए आप लोगों को $160 फ़ी पे करना होता है। तो अगर $160 को मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो 12,000 आपको वीज़ा फ़ी में देना पड़ेगा अप्रॉक्स। अगेन वो डॉलर रेट पे डिपेंड करता है, तो आप 160 को, कभी 73 रहता है डॉलर, कभी 74 रहता है, कभी 72, तो आप उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेना और वो हो जाएगा आपका वीज़ा फ़ी। लेकिन जो पॉइंट आता है कि इंडिया में 5 कॉन्सुलेट्स हैं, US कॉन्सुलेट्स, तो यानी कि आपको सिर्फ 5 सिटी से ही वीज़ा मिल सकता है। आपको उस 5 सिटी में से एक सिटी जाना होगा वीज़ा इंटरव्यू देने। वो 5 सिटी हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। तो आपको इन में से एक सिटी जाने में मैं कम से कम 10,000 रुपये मान के चलती हूँ कि आपका रिटर्न ट्रिप 10,000 रुपये में हो जाएगा, आप इंडिया के किसी दूसरी सिटी से आ रहे हो तो। और आपको बायोमेट्रिक्स के लिए भी वहाँ एक दिन रुकना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं कि आप मुंबई पहुँच के एक दिन रहो और वापस आ जाओ, वहाँ आपको एक दिन एटलीस्ट होटल में रहना पड़ेगा जिस दिन आपका बायोमेट्रिक्स होता है, और उसके बाद आपका फिर से इंटरव्यू होगा, वीज़ा इंटरव्यू, तो वो सेकेंड डे हो जाएगा। तो दो दिन आपको होटल का खर्चा भी आप मान लो, तो मैं 10,000 में आपका रिटर्न टिकट प्लस होटल मान के चल रही हूँ। तो ये 10,000 रुपये यहाँ पे हो गए। अब जो तीसरा बहुत ही बेसिक खर्चा है दोस्तों, वो है फ्लाइट टिकट। अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो मैं पर्सनली आप लोगों को जून और दिसंबर महीने में ट्रैवल करना सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जून और दिसंबर के महीने में फ़्लाइट का कॉस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, फ़्लाइट्स यहाँ की थोड़ी महंगी होती हैं। तो आप सिर्फ जून और दिसंबर के महीने में अवॉइड करना अमेरिका आना, पर हाँ इसके अलावा आप किसी भी और महीने में अमेरिका आते हो तो आपकी जो फ़्लाइट की टिकट होगी वो 50,000 से 70,000 तक की रिटर्न टिकट रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी का टिकट ले रहे हो अमेरिका के। आप अमेरिका के बड़े बड़े सिटीज़ का टिकट ले सकते हो, यानी कि शिकागो हो गया, LA हो गया, SFO हो गया, या फिर अटलांटा, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन। सो ये सारी बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ अमेरिका की, तो आपको जहाँ कहीं भी जाना है आप इन सारी सिटीज़ का टिकट ले सकते हो, 50,000 से 70,000 की टिकट आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगी। अब बात करते हैं चौथे बेसिक नीड की गाइस। तो ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, जो कि मैं बताने वाली हूँ, वो है इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने यहाँ अमेरिका में एक महीने के खर्च इस वाली वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी और बताया था कि यहाँ अमेरिका में मेडिकल कॉस्ट कितना एक्सपेंसिव है, मेडिकल के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भले ही आप एक हफ्ते के लिए अमेरिका आएँ या 10 दिन के लिए अमेरिका आएँ, लेकिन ज़रूरी है कि आपको इंश्योरेंस ले लो। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इंश्योरेंस लेके आओ, मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि अगर यहाँ अमेरिका आते हो आप और कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आपको कुछ भी हो जाती है, तो उसके लिए पहली बात तो सारे हॉस्पिटल्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप जाओगे वहाँ पे दिखाने तो, और दूसरी बात मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है, अगर छोटी से छोटी चीज़ दिखाने अगर जाते हो तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि इंश्योरेंस ज़रूर लेके आना। गाइज, मैं 10 दिन के लिए मान के चल रही हूँ कि आप अमेरिका 10 दिन के लिए आ रहे हो, तो 10 दिन का इंश्योरेंस का जो प्राइस होगा वो अप्रॉक्स 5,000 से 6,000 रुपये होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, तो उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस मिलते हैं, पर हाँ 5,000 से 6,000 मैं उसमें दे रही हूँ। तो ये सारे मैं टोटल करूँ तो अप्रॉक्स 87,000 बन जाता है। ये है कि आपको इतना तो मिनिमम खर्च करना ही है। अब बात करते हैं बाकी सारे खर्चों की।
तो जैसे कि आप अमेरिका पहुंच गए, फिर आपको रहने का खर्चा, अगर आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उनके घर रह सकते हो। पर अगर आप किसी मेडिकल नीड के लिए आ रहे हो, आपके फ्रेंड्स नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, और अगर आपको होटल में रहने की ज़रूरत पड़ रही है, तो अमेरिका में एक दिन का होटल का जो मैं सबसे कम खर्चा मानूँ, वो $40 से $50 में आपको एक अच्छा डिसेंट होटल मिल जाता है जहाँ आप रह सकते हो। तो वो $40 से $50 पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, 10 दिन का $400 या $450 में आपका 10 दिन का होटल हो जाएगा। पर अगेन, बड़े सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो बड़े सिटीज़ में भी एकदम से सिटी के अंदर आपको $40-$50 के होटल्स नहीं मिलेंगे, पर हाँ, थोड़ा सा सिटी से बाहर जाओगे तो आपको $40-$50 के होटल्स मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं फूड की। तो अगर अमेरिका में आप रह रहे हो और आप बाहर खा रहे हो, तो मैं कम से कम भी अगर फूड का खर्चा मानूँ, तो $30 आपको हर दिन लगेगा ही लगेगा। तो $30 को आप कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज़ में, सो अप्रॉक्स 2500 आपको मिनिमम हर रोज़ खाने में खर्च होगा। और जो तीसरी चीज़ आती है इसमें गाइस, ट्रैवल। आप अगर आपको कम्यूट करना है सिटी के अंदर, अगर आप किसी बड़े सिटी में हो, यानी कि न्यूयॉर्क, शिकागो वगैरह सिटी में हो, तो आप जो कम्यूट करोगे अपने होटल से जहाँ भी आपको जाना है या घूमने की जगह पे जाना है, तो उसके लिए कैब कभी मत लेना। अमेरिका में कैब्स बहुत महंगे हैं गाइस, आपको 10 दिन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे अगर आप कैब लेते हो हर जगह जाने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बड़ी सिटीज़ में आपको पासेस मिल जाएंगी, बस की पासेस मिल जाएगी, आपको एक हफ्ते का बस का पास मिल जाएगा और वो अनलिमिटेड रहेगा। आप कहीं पे भी पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में कम्यूट करते रहो बस से, तो आप बस का पास ले लेना। पर हाँ, टैक्सी, ऊबर और लिफ्ट यहाँ चलते हैं, जैसे इंडिया में ओला उबर चलते हैं, यहाँ भी उबर और लिफ्ट हैं, दो टैक्सी सर्विसेज, तो जो काफ़ी कॉमन है, तो वो अवॉइड करना बहुत ही कॉस्टली हैं वो। और बस के अलावा अगर मैं कम्यूट की बात करूँ गाइस, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, यानी कि न्यूयॉर्क हो गया और कैलिफोर्निया की भी कुछ सिटीज़ में ट्रेन्स चलती हैं, तो आप उसका भी पास ले सकते हो। अगर आप थोड़े टाइम के लिए आ रहे हो, हफ्ते दो हफ्ते के लिए यहाँ आ रहे हो, तो आप उसका भी पास ले सकते हो, तो ये भी एक कम्यूट का साधन है। पर गाइस, नोट करने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ बहुत ही बेसिक खर्चे आप लोगों को बताए हैं। वहीं पे अगर आप किसी सिटी में, यानी कि आप न्यूयॉर्क लैंड करते हो इंडिया से और न्यूयॉर्क से आपको कहीं और भी जाना है दूसरी सिटी में, तो आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, तो आप उसका भी $150 से $200 लगा लो, तो आप उस पर ऐड कर सकते हो ये। तो जो भी अभी तक मैंने खर्चे बताए हैं, उस पर आप ये ऐड कर सकते हो। तो अगेन, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, किस किस सिटी में यहाँ पे जा रहे हो, पर मैंने बहुत ही बेसिक आप लोगों को सब कुछ कवर करके बताया है कि अगर आप यहाँ किसी एक सिटी में आते हो, बड़े सिटी में, वहीं आसपास घूमते हो, तो आपको टोटल अप्रॉक्स 170,000 रुपये खर्च हो जाएंगे 10 दिन के लिए। अब बात करते हैं कि आप लोगों का वीज़ा कैसे अप्रूव होगा। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए ये वीज़ा अप्रूव कराने के लिए, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा या फिर B1 वीज़ा। तो गाइज, जितना मैंने पढ़ा है, रिसर्च किया है, मैंने वही देखा कि आपको अपने बैंक अकाउंट में $5,000 दिखाने पड़ेंगे। तो 5,000 अप्रॉक्स 3.5-4 लाख रुपए होते हैं, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में 3.5-4 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे। तो अगर आप पूछोगे इतने पैसे क्यों दिखाने होते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि जो ऑफिसर वहाँ आपका इंटरव्यू लेता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि अगर आप अमेरिका जा रहे हो, तो आपको हर दिन $267 का खर्च तो आएगा ही आएगा, तो आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे हैं या नहीं, कहीं आप अमेरिका में तो नहीं रह जाओगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं वापस आने के या वहाँ पे खर्च करने के। तो इसलिए ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं US कॉन्सुलेट में, वो ये देखते हैं कि हाँ, आपके बैंक अकाउंट में $5,000 में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। दूसरी बात गाइज, ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए कल जा रहे हो तो आज आपने किसी से ट्रांसफर करवा लिया, वैसा नहीं करना, क्योंकि फिर रिजेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। आपको थोड़े टाइम पहले से अपने अकाउंट में $5,000 यानी कि 3.5-4 लाख मेंटेन करना होता है, ताकि ऑफिसर को ऐसे ना लगे कि हाँ, इसने कल ही किसी से पैसे लिए हैं और आज यहाँ इंटरव्यू देने आ गया। तो इसलिए वो 3 महीने का आपका स्टेटमेंट भी चेक करेंगे। तो जरूरी है कि आप 3 महीने से वो बैलेंस
कम से कम मेंटेन करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 4-5 महीने मेंटेन करें तो वो बहुत अच्छी बात है, अप्रूवल के चांसेस और हाई हो जाते हैं। पर हाँ, मिनिमम 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपका वो जो ऑफिसर है इंटरव्यू लेगा वो देखेगा। तो कोशिश करें कि आप कम से कम 3-4 महीने से वो $5,000 अपने बैंक में मेंटेन करके रखें। जैसे मैंने बताया, बेसिक खर्चा तो आपका 1,70,000-75,000 आएगा ही आएगा, पर हाँ इसके अलावा आप जहाँ भी घूमने जा रहे हो, डिज्नी वगैरह जा रहे हो या और भी कहीं सारी पार्क्स वगैरह जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे जाके पास लेना पड़ सकता है। तो आप ये सारे खर्चा आप इसके ऊपर समझो। जहाँ कहीं भी आपका घूमने का प्लान है, सब जगह का वेबसाइट आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आप फ़ी देख सकते हो उनका कि वहाँ का फ़ी कितना है, एंट्री फ़ी कितनी है, किसी पार्क में या डिज्नी में या कहीं जहाँ कहीं का भी आपका प्लान है घूमने का, वहाँ का एक बार एंट्री फ़ी ज़रूर चेक करके आना, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे एंट्री फ़ी होती है, फ्री नहीं होता कि आप कहीं भी गए और घुस गए और देख लिया। तो वो भी आप इस पे ऐड कर सकते हो अगर आपका घूमने का प्लान है तो। ऑलराइट गाइज, आई होप कि आप सबको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, और अगर अच्छी लगती हैं गाइज तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।